नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लाइफ और साइंस को रहस्यमय टॉपिक माना जाता है। इस पर जितना रिसर्च किया जाता है उतना ही इसका रहस्य बढ़ता जाता है, साथ ही हमारी जिज्ञासा भी। चाहे आप बच्चे हो या फिर बड़े, कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी रहस्यों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है। आज हम आपको फैक्ट डोज में आपके लिए साइंस से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर वन, आंखों की पलकें एक साथ क्यों झपकती हैं? आपने कभी ये बात नोटिस की है कि जीवन में कभी भी आपकी पलकें अलग अलग नहीं झपकती? अगर किसी खास जेस्चर के लिए एक पलक ना झपकाई गई हो तो दोनों आंखों की पलकें एक साथ ही खुलती बंद होती हैं। आप कोशिश भी करेंगे तो कुछ सेकंड तक आप एक पलक झपका सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं हो सकता। एक साथ पलकें झपकना एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जिसे हम रोक तो सकते हैं, लेकिन कुछ ही पल के लिए। इसकी साइंटिफिक वजह की बात करें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंखें एक दूसरे के करीब होती हैं। इनके बीच एक नस होती है जो दोनों आंखों तक जाती है। यही नस ब्रेन तक जाती है जो पलक झपकाने का मैसेज देती है। यही वजह है कि दोनों आंखों की पलकें एक साथ ही झपकती हैं। नंबर टू, कौन है आकाश का सबसे चमकीला तारा? हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो बहुत से तारे दिखाई देते हैं, कुछ ज्यादा चमकीले तो कुछ काफी कम चमकते हैं। इसमें से कुछ ग्रहों और तारा समूह के बारे में तो हमें पता है, लेकिन जो तारा सबसे चमकीला होता है, क्या आप उसका नाम जानते हैं? दरअसल वो तारा है सीरियस ए। इसे डॉग स्टार या फिर संस्कृत में मृगव्याध भी कहते हैं। ये पृथ्वी से तकरीबन 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। नासा के मुताबिक सीरियस ए सूर्य से 2 गुना भारी है। नंबर थ्री, समय से पहुंचती है ट्रेन फिर आउटर पर क्यों रुक जाती है? अगर आप ट्रेन से सफर करने के शौकीन हैं या फिर आपको अक्सर ऐसी यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि ट्रेन स्टेशन आने से पहले आउटर पर आकर रुक जाती है। इस दौरान बहुत से यात्री झल्लाए हुए दिखते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आखिर ऐसा क्यों होता है। समय पर ट्रेन पहुंच गई तो उसे रोक क्यों दिया जाता है? रेलवे के जानकार बताते हैं कि अब बहुत ही कम स्टेशन ऐसे बचे हैं जहां पर पहले आउटर सिग्नल लगा हो। अब अगर गाड़ियां पहले रुकती हैं तो इसकी सीधी सी वजह है कि ट्रेन के उस प्लेटफॉर्म पर आने से पहले कोई और गाड़ी मौजूद है जहां उसे पहुंचना है, तो इसे रोक दिया जाता है। यही वजह है कि ट्रेन की स्पीड अच्छी होने के बाद भी प्लेटफॉर्म के इंतजार में उसे आउटर एरिया में रोका जाता है। जब तक आगे जाने के लिए उसे सिग्नल नहीं मिलता तब तक ट्रेन रुकी रहती है। नंबर फोर, अंतरिक्ष में कोई इंसान मर जाए तो क्या होगा? अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजना एक चुनौतीपूर्ण और काफी खतरनाक काम है। 60 साल से ज्यादा पहले से हमने स्पेस की गहराइयों को जानने की कोशिश शुरू की, तब से 20 लोग मारे जा चुके हैं। 1986 और 2003 की नासा अंतरिक्ष शटल त्रासदी में 11 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गवा दी थी। ऐसे में आपने भी कभी सोचा होगा कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में मर जाए तो क्या होगा? अगर कोई इंसान पृथ्वी की कक्षा में मर जाता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, तो चालक दल कुछ घंटों के भीतर एक कैप्सूल में उसकी बॉडी को वापस ला सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा पर किसी की मौत हो जाए तो अंतरिक्ष दल कुछ ही दिनों में शव के साथ वापस लौट सकता है। नासा के पास ऐसी चीजों के लिए काफी प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, लेकिन नासा ने एक चिंता ये भी जताई है कि अगर कभी मंगल ग्रह पर किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई तो ये बहुत मुश्किल है कि 300 मिलियन मील की यात्रा कर उसकी बॉडी को वापस लाया जाए। नंबर फाइव, तरबूज लाल और पीले क्यों होते हैं? तरबूज का नाम लेते ही बाहर से चकत्तेदार हरी स्किन और अंदर लाल रंग का फल हमारे दिमाग में आता है, लेकिन अब बाजार में पीला तरबूज भी मिलने लगा है। ये खाने में लाल तरबूज से ज्यादा मीठा होता है। दरअसल तरबूज में केमिकल के कारण इसका रंग लाल या पीला होता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो लाइकोपीन नाम के केमिकल की वजह से तरबूज लाल होता है। लाल तरबूज में लाइकोपीन केमिकल पाया जाता है, वहीं पीले तरबूज में ये केमिकल नहीं पाया जाता, इसीलिए तरबूज पीले रंग का होता है। तो ये तो थे आज के कुछ मजेदार और मिस्टीरियस फैक्ट्स। ऐसे ही और फैक्ट्स लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।